20 सेंटीमीटर गहराई वाला गोल गड्ढा जो 1 मीटर व्यास का होगा, इस प्रकार के 2 गड्ढे बनाने, मतलब उसकी गोलाई जो होगी वह 1 मीटर व्यास वाली हो और गहराई 1.25 मीटर की जालीदार ईंटे से बनी हो। गोल गड्ढा जालीदार ईंटे से बनी हो। जालीदार ईंटा मतलब जब हम ईंटे को जोड़े तो बीच में थोड़ा गैप दे दे करके जोड़ते जाए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा देना। जालीदार ईंटा से उस गोल गड्ढे को हम पूरा कर लें। 2 गड्ढे इस प्रकार बनवाने हैं। कितने गड्ढे बनवाने हैं? 2 गड्ढे। जब 2 गड्ढा हमारा बन जाता है और नीचे बनेगा कैसे? नीचे वाला जो सबसे पहला ईंटा होगा, जो पहला रद्दा बोलते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर से पहले जनपद आजमगढ़ को ODF किया जाए। जनता इसमें आगे आए, एक आंदोलन के रूप में ले, सरकार जो सहायता दे रही है उससे बढ़ चढ़ करके उसका उससे भी और अच्छा बनाए, 12,000 से अधिक पैसा लगा करके अच्छा सुंदर शौचालय बनाए। अभी यह एक प्रयोग जैसा पहले भी किया जा चुका है। हम अपने जनपद में सभी भाइयों, सभी पतियों, सभी पिताओं से यह अपील कर रहे हैं कि वो अपने बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए अच्छा शौचालय उपहार के रूप में दें। आने वाला त्यौहार जैसे भी रक्षाबंधन है, उस पर भाई अपने बहन को एक शौचालय उपहार के रूप में रक्षाबंधन के दिन दे, राखी के एवज में, उसके बदले में एक शौचालय बनाकर दे। इसकी एक हम प्रतियोगिता करा रहे हैं, गांव-गांव में इसका प्रसार कर रहे हैं। जो भाई अपने अपनी बहन को सबसे अच्छा शौचालय बना करके देगा, ऐसे भाइयों का हम एक आयोजन करेंगे, उस आयोजन में उन्हें सम्मानित करेंगे, उन्हें पुरस्कृत करेंगे। तो इस मुहिम को जनता किस तरह से देख रही है? और इस मुहिम में जब से हमने इसका विज्ञापन दिया है अखबारों में, पोस्टर के माध्यम से गांव में इसका प्रसार किया है, कई लोग, मुझे जो सूचनाएं मिल रही है, वो शौचालय बनाना शुरू कर दिए हैं। जिन्हें पैसा मिल चुका वो भी, और जिनको पैसा अभी नहीं मिला है वो लोग भी आगे आकर के शौचालय बना रहे हैं। ये देखिए, शौचालय इज्जत घर है, ये नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया हुआ है, इज्जत घर। तो कोई भाई यदि अपनी बहन की इज्जत कर रहा है अपने मन से, दिल से, तो उसके लिए एक चैलेंज है ये कि वो किस प्रकार से इज्जत कर रहा है यदि वो एक शौचालय नहीं देगा तो। इसलिए लोग इसे प्रतिष्ठा का, सम्मान का और गौरवपूर्ण जीवन का प्रतीक मान करके इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस बात की खुशी है। अब जिस दिन रक्षाबंधन होगा उसके 2 दिन के बाद हम इस सम्मेलन को करेंगे और ऐसे सबसे अच्छा शौचालय बनाने वाले भाइयों को सम्मानित करेंगे। मैं तमाम नागरिकों से ये संदेश उनको देना चाहती हूँ कि ये जो एक यूनिक स्कीम शुरू की है हमारे DM साहब ने, कि बहन को भाई राखी के दिन इज्जत घर दें, शौचालय को ये इज्जत घर नाम इसलिए दे रहे हैं कि जब लड़की और औरत को खुले में जाके शौच करना पड़ता है तो ये इसकी इज्जत के खिलाफ है। तो ये एक इतनी अच्छी और यूनिक स्कीम है, और इन्होंने ये भी तय पाया है कि कोई भी जो त्यौहार है उस त्यौहार के दिन जो है पति अपने पत्नी को भी घर दे। तो मैं पूरे दिल से इसका सपोर्ट करती हूँ और मैं मानती हूँ कि हम सब लोग ये जो स्कीम हमारे लिए बन रही है उसकी पूरी तरह से स्वागत करें।